फाइनली पिक्सल 4a लॉन्च हो चुका है यूएस में, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है $349, यानी लगभग 26,000 रुपए अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। क्या ये इंडिया में आएगा, कब आएगा, क्योंकि पिक्सल 4 जो था वो इंडिया के अंदर नहीं आया था। पिक्सल 3 एक्सल के बाद इंडिया में कोई भी पिक्सल का डिवाइस लॉन्च नहीं हुआ है। पिक्सल 3 है उसके बाद लॉन्च हुआ था, और जो पिक्सल 4 सीरीज का पहला स्मार्टफोन है इंडिया में जो आएगा वो है पिक्सल का 4a। और 4 क्यों नहीं आया था वो भी आज बात करेंगे, और ये पिक्सल 3 ये आएगा तो किस प्राइस सेगमेंट में, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये रहा कुछ इस प्रकार का आपका डिवाइस, जो कि भैया जो कल हमने बात की थी वो सेम सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन हम एक नज़र डाल लेते हैं, 5.81 इंच की इसके अंदर आपको फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार की है। फ्रंट में बिंदी जैसा आपको, साइड में आपको पंच होल डिज़ाइन वाला कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी प्यारा लगता है। डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी होने वाली है, और डिस्प्ले के अंदर आपको भैया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, यानी कि डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर आप बैक पैनल की बात कर रहे हैं तो बैक पैनल काफ़ी बेहतरीन है, आपको जेट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा लगता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। बैक साइड में आपको भैया बिल्ड क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्योंकि ग्लास बॉडी होने वाली है, मेटेलिक फ्रेम होने वाला है, और जो कैमरा मॉड्यूल दिया है वो काफ़ी यूनिक है, मतलब काफ़ी अलग होने वाला है। सिंगल कैमरा दिया हुआ है लेकिन आपको स्क्वायर मोड में दिया है तो काफ़ी बेहतरीन लगता है। आपने देखा होगा इसके पहले ही स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जिसमें स्क्वायर मोड का कैमरा दिया हुआ है आईफोन के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी दिया हुआ है, काफ़ी तगड़ा होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो कैमरा दिया हुआ है 12.2 मेगापिक्सल का है, सिंगल कैमरा होने वाला है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देखकर निराश मत होइएगा, लेकिन यहाँ पे टेली फोटो लेंस का यूज़ नहीं किया है तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हो सकते हैं। लेकिन आपको कलर करेक्शन या वीडियो क्वालिटी या मतलब इमेज प्रोसेसिंग के मामले में या इमेज क्वालिटी में कोई भी शिकायत देखने को मिलेगी, नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है या हाई लेवल की करनी है, सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि पिक्सल के स्मार्टफोन जो है वो भी अपनी फोटोग्राफी के लिए, फोटो क्वालिटी के लिए जाने ही जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। इसके अंदर आपको 3140 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, 18 वाट का चार्जर मिलेगा जो कि आपकी बैटरी को एक घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा, ये काफी अच्छी बात है। बैटरी की कैपेसिटी देखकर आप मत जाइएगा, मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा मायने रखती है, तो यहाँ पे आपका एक दिन बैटरी बैकअप दे देगा, बहुत तगड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन मतलब 2-3 दिन तो नहीं होगा। लेकिन आपकी आदतें जो बिगाड़ी हैं रेडमी के और रियलमी और बहुत सारे चाइनीज स्मार्टफोन हैं उन्होंने बिगाड़ दिए पूरी, क्योंकि 6-6 हज़ार एमएएच तक की बैटरी देते हैं, या तो सैमसंग के स्मार्टफोन वो भी 6 हज़ार तक की देने लगे, तो ये 3100 एमएएच काफ़ी कम लगेगी, 3140 एमएएच लेकिन कम नहीं है, आपका एक दिन आराम से पार कर देगी। चलिए अब बात करें हम इसके कैमरा परफॉर्मेंस की। तो जो फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन कैमरा होगा। आप मेगापिक्सल पे मत जाइए, इमेज प्रोसेसिंग पे जाइए, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन होती है काफ़ी तगड़ी होगी। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग और स्टोरेज की, तो यहाँ पर भैया इसका एक ही वेरियंट लॉन्च किया गया है, सिंगल वेरियंट है, सिंगल कलर है, 6GB 128GB। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात की गई, इसके जो प्रीवियस स्मार्टफोन आ चुके हैं उनमें आपको 6GB या 4GB के साथ में 64GB मिलता था, यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट भी बढ़ा दिया है और यहाँ पे आपकी रैम भी बढ़ा दी गई, ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। और इसका जो प्राइस रखा गया, जिसे मैंने शुरुआत में बताया था, आपका $350 है, तो इसका 26,000 तक इंडियन रुपीज़ में आएगा, और ये 26,000 का इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके दो और स्मार्टफोन लॉन्च किए जो कि 5G होने वाले हैं, मतलब कि वो इंडिया में नहीं लॉन्च किए जाएंगे, ये 4XL और वो होने वाले हैं जो कि इंडिया में नहीं होंगे। 4A के 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, एक जो 4G वाला है वही आएगा, जो बेस वर्जन हमने बताया वो इंडिया में लॉन्च होगा। और इसका लैंडिंग पेज मतलब आपका फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार का है, और इस पर कमिंग सून लिखा है, लेकिन गूगल ने कंफर्म किया है ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा, तो काफ़ी लेट है। और अब बात करेंगे हम, जो गूगल पिक्सल का 4 था वो इंडिया में क्यों नहीं आया, आखिर क्या रीजन्स थे? तो भैया वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके अंदर जो एक एक्सपेक्ट्रम यूज़ किया गया, 64GHz का एक एक्सपेक्ट्रम यूज़ किया गया था इसकी, मतलब मोशन सेंसर को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर ये भैया मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं थी, इसी वजह से भैया ये 60GHz का जो एक्सपेक्ट्रम था वो इंडिया में लॉन्च नहीं हो सका, इसी वजह से स्मार्टफोन भी लॉन्च नहीं हो सका। एक्चुअल में इसमें क्या था, इसमें जो मोशन सेंसर्स काम कर रहे थे वो गेस्चर मोड की तरह थे, यानी कि आप जैसे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नोट सीरीज के अंदर आते हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो सेल्फी खींच जाएगी, इस तरह बहुत सारे गेस्चर मोड या मोशन की तरह से यूज़ कर पाते, वही सारा कुछ था, लेकिन वो इंडिया में नहीं आ सका, इस वजह से स्मार्टफोन भी नहीं आया था।
और अभी जो पिक्सल 4 है ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, इसी वजह से इंडिया में ये लॉन्च होगा और लैंडिंग पे जैसे मैंने बताया ये भैया फ्लिपकार्ट पे आ ही चुका है, तो ये कंफर्म है इंडिया में आने वाला है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है कि कई लोग इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि ये जो प्रोसेसर है 18-20 हज़ार के स्मार्टफोन के अंदर आपको चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, आपको कोई भी ब्रांडेड स्मार्टफोन जिसकी एक अलग ही छवि बनी उसके अंदर तो नहीं, लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 730G जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर जो कि इसके अंदर दिया होगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस लेवल में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, आप अच्छे तरीके से पबजी खेल पाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी निराश नहीं होना कि इसके अंदर आप पबजी नहीं खेल पाएंगे, ऐसा कुछ भी लैगिंग का इशू आएगा ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन टॉप लेवल की होने वाली है। और इसके अंदर आपको भैया टाइटन की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है जो कि और भी तगड़ी होने वाली है, और काफ़ी बेहतरीन इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलते हैं, एंड्रॉयड 10 के साथ में आएगा, स्टॉक एंड्रॉयड के क्लीन यूआई के साथ में आता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि एक क्लीन यूआई जो होता है काफ़ी बेहतरीन लगता है और काफ़ी स्मूथ भी होता है। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, नो डाउट हर एक चीज़ में बेस्ट होने वाला है, कैमरा भी काफ़ी बेहतरीन है, बैटरी परफॉर्मेंस लेवल जब आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो इसके फीचर्स हैं उस हिसाब से हम बता सकते हैं काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। 26,000 रुपये के मतलब प्राइस में आएगा तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, अगर इसका प्राइस कहीं बढ़ जाता है 30 से अबव निकल जाता है तब तो मतलब थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, लेकिन अगर ये 25,000 के अंदर या 26,000 तक आता है तो ये काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन हो जाएगा। आप हमें बताएं आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसी ही हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो और ऑनेस्ट भरे रिव्यू आपके साथ में हम शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।